consistent lines are those lines which give us solution. Maybe unique solution, maybe many solution. Good morning, students. और आज मैं चैप्टर 3 की सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो लीनियर इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने समझाए थे और उसी बेस पर अब मेरी एक्सरसाइज शुरू होगी और उस एक्सरसाइज में मैं एक एक करके सम को सॉल्व करते जाऊंगा और कुछ सम्स आपके लिए छोड़ूंगा और जो सम्स आप लोग नहीं कर पाएंगे आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आके मुझे बताएं और उन सम्स को मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर वेलकम टू टीचर्स पॉइंट प्लेटफॉर्म एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज मेरा सेकंड वीडियो लीनियर इक्वेशंस पे मैं शुरू कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. ये exercise 3.2 question number 3 से मैं शुरू कर रहा हूं और इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि these equations are consistent or inconsistent. तो पहली बात तो ये है कि last क्लास के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस किसको कहते हैं वो मैं समझाने की कोशिश की थी। आज फिर एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। कंसिस्टेंट लाइंस आर दोज लाइंस विच गिव अस सॉल्यूशन, मे बी यूनिक सॉल्यूशन, मे बी मैनी सॉल्यूशन, मीन्स दोज लाइन्स विच गिव अस वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स एंड दोज लाइन्स विच डज नॉट गिव अस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स। तो कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होंगी? जो दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी या दो लाइन एक दूसरे के ओवरलैपिंग हो जाएंगी। और इनकंसिस्टेंट लाइन्स कौन सी होंगी? दोज लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो हम यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किसको मैं कंसिस्टेंट बोलूंगा और किसको मैं इनकंसिस्टेंट बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं सम को स्टार्ट करूंगा। दिस गिव्स वन सॉल्यूशन एंड दिस गिव्स सिंगल लाइन ए बी एंड अदर लाइन ओवरलैपिंग टू दिस सी डी। AB and CD are overlapping each other, that gives many solution, and third one are parallel to each other, no solution. It gives unique solution, it gives many solutions, it gives no solution. So those which give us solution, one solution or many solution, are called consistent pair of lines. Consistent pair of lines, or it does not give solution, this is called inconsistent pair of lines. तो मैंने यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश की है। नाउ अगेन रिपीट, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वन बाय वन आई विल सॉल्व द इक्वेशंस, राइट द देयर कोफिशिएंट्स एंड टेक द डिसीजन। तो पार्ट वन, यदि मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दूं,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यदि आप इसका a1 a2 चेक करें तो a1 इज 3 बाय 2, 2 बाय माइनस 3, 5 बाय 7। यू जस्ट चेक एंड कंपेरिजन विद a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मींस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर मींस इट इज द पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइंस। गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। इफ इट इज यूनिक सॉल्यूशन कॉल्ड पेयर ऑफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइंस। तो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं दिस इज अ पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइंस। ये इसका पहला पार्ट मैंने यहां पर पूरा कर दिया है। इसी के दूसरे पार्ट को यदि मैं यहां पर लिखूं द सेम वे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। If you write down their coefficients a1, a2, b1, b2 and c1, c2, what the results we get, accordingly we take the decision. So 2 upon 4 minus 3 upon 6, 8 upon 9. यदि आप इसको ध्यान से देखें तो it gives 1 upon 2, 1 upon 2 but not equal to 8 upon 9. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सो वी राइट ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सो नो सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, इट गिव्स नो सॉल्यूशन, no solution, it is a pair of inconsistent lines। इस तरीके से मैंने आपको दो sums को solve करके दिखाया। one gives the unique solution so it is called consistent pair of lines। हमको जो result आया no solution का it is called इनकंसिस्टेंट। तो दो सम्स मैंने यहां पर कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री के दो पार्ट मैंने कर दिए हैं। अब इसका तीसरा पेयर, पार्ट नंबर थ्री, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, नो इज इक्वल टू 7, सॉरी 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो टेकिंग एलसीएम और एलसीएम लेके हम इसको एक स्टेट इक्वेशन बना लेंगे। सो इट विल बिकम 9x प्लस 10y, द एलसीएम वॉज 6 इज इक्वल टू 42। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यदि आप इसको ध्यान से देखें, इफ यू सी दीज टू इक्वेशंस,
एंड राइट देयर कोफिशियंट्स मीन्स रेशियोज 9/9 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल टू 42/14. इफ यू गो थ्रू द सम्स 9/9 गिव्स 1/1 एंड 10/-10 गिव्स -1/1. सो इट इज नॉट इक्वल मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. सो वी कॉल इट अगेन यूनिक सॉल्यूशन. इफ इट इज यूनिक सॉल्यूशन मीन्स गिव्स वन सॉल्यूशन मीन्स इट इज अ पेयर ऑफ देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन देता है तो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. इट इज पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइंस. तो इस तरीके से हमने तीसरा पार्ट भी इसका कर दिया है. नाउ द फोर्थ पार्ट 5x-3y इज इक्वल टू 11 -10x+6y इज इक्वल टू -22. राइट डाउन देयर कोफिशिएंट a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के कोफिशिएंट्स को मैं यहां उतारूंगा. तो 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 11/-22. जस्ट सिंप्लीफाई यू विल गेट -1/2 यू विल गेट -1/2 यू विल गेट -1/2 मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. वेन ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन गिव्स मेनी सॉल्यूशन. सो आई कॉल इट many solution. If it gives many solution, it is again called pair of consistent lines. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने चारों पार्ट कर दिए और बड़ी आसानी से आप लोग भी इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स डू हार्ड वर्क इन द मैथ्स. मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है और जितना सब्जेक्ट में आप अपना टाइम डिवोट करेंगे इनिशियल स्टेज पर उतना ही बाद में आपको मैथ्स इजी लगेगी. इफ यू मेक द मैथ्स इजी मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा जितने आसान मेथड बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से आपके मैथ्स के सम सॉल्व हो सकेंगे और मार्क्स 100% मार्क्स लाने की मैं गारंटी भी देता हूं. इफ यू गो थ्रू माय वीडियोस कंप्लीट पूरी एक लेंथ में देखिए ऐसे नहीं कि आप थोड़ा वीडियो देख रहे हैं और ऑफ कर देते हैं. गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो और आपको अच्छा लगेगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है. तो इस तरीके से यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के चार पार्ट थे उन चारों पार्ट को मैंने यहां पर सम्स को सॉल्व करके और डिक्लेयर कर दिया कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस है और कौन सा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस है. तो माय डियर स्टूडेंट्स गो अहेड एंजॉय माय वीडियो ऑफ द लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. तो माय डियर जब भी आप क्लास को देखें पूरा देखें देखने के बाद पसंद आए उसको शेयर करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बोलकर सब्सक्राइब करें जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरी जो भी वीडियो बने आप तक पहुंचती चली जाए. अंडरस्टैंड. तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छी मेहनत करें मैथ्स में और जिससे आपके 100% मार्क्स आने के चांस बने. मैं लगातार आपको शॉर्ट टिप्स देता रहूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन. तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन. सो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं.
थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड पार्ट, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैं इनके कोफिशियंट्स को लिखूंगा और कोफिशियंट्स लिखने के बाद मैं इसमें आपसे डिसाइड करवाऊंगा कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हैं या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हैं। तो आई हैव टू राइट टू अपॉन फोर कोफिशियंट ऑफ ए वन ए टू, कोफिशियंट ऑफ यदि और सिंप्लीफाई करूं इट गिव्स वन अपॉन टू, इट गिव्स माइनस वन अपॉन टू। यदि पहला पेयर ए वन अपॉन ए टू और नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाता है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है, मींस ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, मींस इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। और व्हेन द लाइन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन मींस दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपका प्रेजेंटेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यदि आप इसके फिर कोफिशिएंट का रेशियो लिखना शुरू करें तो यू विल गेट 2 बाई 4 माइनस 2 बाई माइनस 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 5। सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 1 अपॉन 2, यू विल गेट 1 अपॉन 2 सो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5, मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो क्या देता है ये, मीन्स नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इट इज इट गिव्स नो सॉल्यूशन। No solution means if the two lines are parallel to each other, they will not give solution. So it is called intersecting lines, or we call it consistent pair of lines. Or this is parallel lines, or it is called inconsistent पेयर ऑफ लाइंस। तो इस तरीके से मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर ओवर हो जाता है। गिवन क्वेश्चन नंबर सिक्स, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब भी ओवरलैपिंग लाइंस होता है, मेनी सॉल्यूशंस होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन देने वाली दो लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन देने वाली दो लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस का मतलब मेनी सॉल्यूशन देने वाली दो लाइंस। तो उसने एक बेसिक इक्वेशन दी है कि 2x प्लस 3y माइनस 8, दिस इज द इक्वेशन, और वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करो, पहली दूसरी और ये तीसरी। पहली आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, या दूसरे नंबर की पैरेलल लाइंस बनाए, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस का लाइंस बनाया। तो दिस इज द इक्वेशन, देयर इज
इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, दे आर गिविंग अस द वन इक्वेशन, कॉमन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू डेवलप अनदर इक्वेशंस दैट गिव्स इंटरसेक्टिंग लाइन विद दिस विद द गिवन लाइन, पैरेलल लाइन विद द गिवन लाइन, कोइंसिडेंट लाइन विद द गिवन लाइन. तो इसके लिए यदि मैं पहला सेट तैयार करूं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसकी मैं दूसरी लाइन बाद में लिखूंगा, पहले मैं इसका a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 है और c1 इज इक्वल टू माइनस 8 है. और हमको चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इस तरह से हम कैसे डेवलप करें, तो मेरे हिसाब से यदि मैं a1 इज इक्वल टू 2 और a2 इज इक्वल टू, सपोज मैं 3 लिख देता हूं और b2 इज इक्वल टू 5 लिख देता हूं, c2 इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, तो यू विल चेक a1 अपॉन a2 मींस 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 5 दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो वी आर यूजिंग दिस कोफिशियंट्स एंड फॉर्म ए इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स विद अ गिवन लाइन, विद अ गिवन लाइन. इस लाइन के साथ ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग बनाती है. सेकेंड पेयर पैरेलल लाइंस, फिर से मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए फॉर द पैरेलल लाइंस. इधर लिख देता हूं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस. तो अब देखिए हमें a1 और a2 का कोफिशियंट सेम रेशियो में चाहिए. इट मींस सपोज a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8. तो a2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीपल में रख दीजिए, सपोज हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कंप्लीट a1 a2 a1 b1 एंड c1 बाय 3, सो यू विल गेट 6, b2 इज इक्वल टू 9 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 20. पैरेलल लाइंस के नॉट इक्वल, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम एज इट इज कुछ भी लिख देंगे. सो 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2. सो यू विल गेट 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 बट नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 1. सो देयर फोर हम यदि इक्वेशन डेवलप करें तो आपकी इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 9y इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट लाइंस गिव्स नो सॉल्यूशन बिकॉज they make parallel to each other.
ठीक है। तीसरा ठीक है, तीसरा पार्ट पैरेलल लाइंस, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस विद 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, और फॉर कंसिस्टेंट लाइन्स यू हैव टू राइट कोफिशियंट्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। द कोफिशियंट ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू आर इक्वल टू ईच अदर, दैट गिव्स पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइन्स और वी कॉल इट कंसिस्टेंट लाइन्स। सो ए वन कितना है आपका, टू है, बी वन आपका थ्री है और सी वन आपका माइनस एट है। टू गेट सेम रेशियो मल्टीप्लाई विद द कॉमन नंबर ए वन बी वन एंड सी वन, वॉट एवर यू गेट यू विल गेट ए टू बी टू एंड सी टू मल्टीप्लाई विद द कॉमन नंबर सपोज एट। तो एट यदि हम एट से मल्टीप्लाई करें सो ए टू इज इक्वल टू 16, बी टू इज इक्वल टू 24 एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस 64। राइट डाउन द रेशियोज, 2 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 अपॉन 24 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 64। सो यू विल गेट 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दैट गिव्स कोइंसिडेंट लाइन्स गिव्स मैनी सॉल्यूशंस। तो यदि हम इससे इक्वेशन डेवलप करें तो ए वन है हमारा 16, तो फाइनल आंसर विल बिकम 16x प्लस 24y माइनस 64 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस को यहां पर ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर, जिसके अंदर में लगातार कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस के बारे में लगातार बता रहा हूं। ये मेरी 3.2 एक्सरसाइज ओवर हो गई है। अब उसके बाद अब जो हम सम सॉल्व करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की है, और जो मेथड है वो हमें बताना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो वन अपॉन यदि मैं इसको लाइन खींच दूं तो इक्वेशन नंबर वन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इफ यू गो थ्रू द रेशियोज ए वन इज इक्वल टू 3, बी वन इज इक्वल टू माइनस 1, सी वन इज इक्वल टू 3, ए टू इज इक्वल टू 9, बी टू इज इक्वल टू माइनस 3, सी टू इज इक्वल टू 9। तो कंपेयर 3 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 एंड 3 अपॉन 9। इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन C2। So we get
many solutions or called consistent pair of lines. तो इस तरीके से हम equations को solve करते हैं. तो इस जगह पे many solutions हैं, तो हम यहां पर इसको a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 हमारा निकल के आया है, और हम कह सकते हैं it gives many solutions और lines are overlapping each other और consistent pair of lines. इस तरीके से हम सबको solve करते हैं. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट. -2x प्लस -3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस क्वेश्चन नंबर 1. 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, यू विल सी द डेसिमल coefficients. So remove these coefficients. So multiply equation 1 and equation 2 by 10. As you get the multiply by 10, you will get 2x plus 3y is equal to 13, 4x plus 5y is equal to 23. So this is, it will become equation number 3 and equation number 4. अब method हमें कौन सा use करना है? Method हमने use करना है substitution method. तो इस substitution method के अंदर हम क्या करेंगे? Find the value of x from the equation 1 or equation 2. यदि आप equation 1 से x की value find करते हैं या y की value find करते हैं, just put into the second equation. यदि फर्स्ट से सॉल्व फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड में डालेंगे, और सेकंड से फाइंड आउट करते हैं एक्स या वाई की वैल्यू तो हम फर्स्ट में डालेंगे. तो देखें, हम फर्स्ट से डालते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन वन 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. This will we get from the equation number 1, put in equation number 4, 3 and this is 4. चलिए डालते हैं 4x, और x की जगह 13 minus 3y, 4x, 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equal to 23. You will get the multiplication. LCM 2 आ गया, और 2 हमारा हो जाएगा 4, 13, 4 जा 52 minus 12y plus 10y is equal to 23. The whatever the LCM, LCM was 2 and it goes to multiplication. So it will become minus 2y is equal to 46 minus 52. So 2y is equal to minus 6, then y is equal to 3. Y is equal to 3 and x. So find the value of x, just put into the value of x. So x is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2. So you will get 13 minus 9 upon 2. X is equal to 4 upon 2 is equal to 2. So what will you get? The coefficient, the solution of the x and y, x is equal to 2 and y is equal to 3. ये एक तरीके का आंसर है. इस तरीके से हम x और y के आंसर्स निकाल लेते हैं. This is the way we call it substitution method. क्यों substitution method कहलाता है? Because we are substituting the value of x, getting from the equation number 1 and put into the second. This is called substitution method. And we get the value of x as well as value of y. So my dear students, लगातार class आपकी मैं upload करता जा रहा हूँ, और ये मेरी linear equation of two variables की second video है. और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक लीनियर इक्वेशन के बेसिक बताए थे. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के
डिग्री क्या होती है और किन को लीनियर क्वेश्चन कहते हैं और किन दो लीनियर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं, ये मेरी लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहां पर मेरा फोर्थ सम, क्वेश्चन नंबर वन के बाद का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और अब ये जो है मेरा सिक्स्थ पार्ट। तो इस सिक्स्थ पार्ट को भी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं आपको फिर से एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और सबसे पहले व्हेनेवर यू गेट द इक्वेशन इन द फ्रैक्शन फॉर्म जस्ट मेक इट फ्लैट। हाउ विल यू गेट द फ्लैट लीनियर इक्वेशन, टेक द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, 6। तो जैसे ही मेरा एलसीएम 6 आएगा, सो यू विल गेट 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2। तो फाइनल इक्वेशन therefore 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। द सेम वे आई टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, यू विल गेट 6, देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। सो फाइनल इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। तो फाइनल रिजल्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से जो जब भी लीनियर इक्वेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो आप उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स, सम्स में लगातार इंटरेस्ट बनाए रखना है। सम्स जब करने बैठे तो कंसंट्रेट करें माइंड को, लंबी रेस का घोड़ा बनना है और लगातार मैथ्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको सिटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स में सक्सेस पा सकते हैं। और 100 मार्क्स लाने के लिए आपको 100% सिटिंग आपकी चाहिए। शुरुआत में आप अच्छी सिटिंग दे देंगे तो बाद में मैथ्स आपके कंट्रोल में हो जाएगी और 100% मार्क्स आने के चांस बनते हैं। तो बेटर है, मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो शुरुआत में 40% 50% पर ही रह जाते थे, और उनको मैंने गाइडलाइंस देकर, छोटे छोटे टिप्स देकर, आसान तरीके बताकर इस लेवल तक ले गया कि वो अपने फाइनल एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 100 out of 100 मींस 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स उन्होंने पाए। एक दो नंबर कटने के चांस सिर्फ बन जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट फुल मार्क्स। तो बेटर है आप मेरी छोटी छोटी टिप्स को लगातार ध्यान से देखें, टिप्स पे ध्यान दें, मन को कंसंट्रेट करें, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। लगातार आपकी वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा और लगातार आप उसको देखते जाएं तो आपकी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी और हो सकता है मैथ्स आपके लिए आसान हो और आपको आसान लगने लगे। तो अंडरस्टैंड, तो अब ये जो मैं दो इक्वेशंस डेवलप किए हैं, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं लिख देता हूं, सॉल्व दी इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वी गेट, क्या तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से किसी में से भी एक्स की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। अब मैं इक्वेशन पहले वाली क्वेश्चन के अंदर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूंगा और सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर टू में। तो देखते हैं कैसे होता है। तो 9x ये वाला 12 माइनस इधर के इधर आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 10y। मींस यदि आप ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड पुट इट इन टू द इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
इस y के अंदर हम ये वाली वैल्यू को डालेंगे। सो 2x प्लस 3 9x प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 10 इज 10। सो 20x प्लस 3 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 13। सो फाइनली यू विल गेट 20x प्लस 27x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। तो एक सॉल्व करने का आसान तरीका मैंने ढूंढा है, तो दिस विल बिकम 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। 47x इज इक्वल टू 94, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। 94 अपॉन 47 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, 2। x की वैल्यू निकल गई, पुट इट इनटू द दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, और y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10, 9 इंटू 2, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 12 अपॉन 10, 18 प्लस 12 यू विल गेट 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर आपका हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लगातार मैं इक्वेशंस को सॉल्व करता जा रहा हूं, और अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और उस क्वेश्चंस को मैं अब यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, 10th बोर्ड ही आपका लाइफ का फैसला करता है, बेटर है आप इतनी मेहनत करें कि आपको 11th और 12th क्लास के अंदर सब्जेक्ट चूज करने में कोई गलती ना हो जाए। मेक योर माइंड फिट फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको अभी से ही अपनी मेहनत को देखना पड़ेगा, आपको इंटरनल अपने को चेक करना पड़ेगा कि आप किस लाइन के लिए परफेक्ट हैं। इफ यू आर परफेक्ट फॉर द मैथ्स, गेट श्योर यू आर मेकिंग हार्ड वर्क इन द मैथ सब्जेक्ट। तो बेटर है आज से ही जुट जाएं मैथ सब्जेक्ट को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 2, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द y इज इक्वल टू mx प्लस c। बहुत आसान है, हमको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। वन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। वो कहता है कि दो इक्वेशंस हम आपको दे रहे हैं, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो क्या होना है, कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है और ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय द मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हेनेवर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, जस्ट पुट इनटू द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। x में x की वैल्यू डालिए और y में y की वैल्यू डालिए, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व करके निकाली थी। जैसे ही आप x और y की वैल्यू डाल देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द फाइनल। सो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको फिर वही रास्ता बता रहा हूं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2?
सो इक्वेशन नंबर टू इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. कैंसिल आउट 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11. सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35. देयर फोर y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू निकल गई. जब y की वैल्यू निकल गई तो इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे और ये इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2. पुट द वैल्यू ऑफ y 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2. सो 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 यू विल गेट माइनस 2. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5. तो मैं क्या करता हूं, दोनों को एक साथ ही लिख लेता हूं. x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5. इस तरीके से मेरी x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 आ गया. अब क्या करें, द वैल्यू ऑफ y एंड x पुट इन टू द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. y की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू m into minus 2 plus 3. So you will get minus 2m is equal to 5. ये इधर चला जाएगा minus 3. तो minus 2m is equal to minus 2. Therefore m is equal to minus 2 upon minus 2 is equal to 1. So m is equal to 1. तो m is equal to 1 आ गया. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे सॉल्व हो जाता है. और क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के मैंने 5-6 सम सॉल्व किए हैं. और इन 5-6 सम्स को सॉल्व करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी समझ आ जाए. जब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं शुरू करूँगा तो मेरी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी. और वर्ड प्रॉब्लम इज रियली प्रॉब्लम. तो वर्ड प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देता है, लेकिन वनस्पत की आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा. यदि आप लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम इज नथिंग मोर देन इजिएस्ट सम्स फॉर इन द मैथ्स. तो क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोज को पूरा देखें, बड़े स्क्रीन पे देखें. और इतना ही कहकर यहाँ पर क्लास को ख़त्म करता हूँ. और दूसरी एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि यदि आपको इस क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया है थ्रू मेल भेजकर उन्होंने मुझसे और सम्स को सॉल्व करने की गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है. तो उनको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्लास में इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को फिर मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाऊंगा. और वो स्टूडेंट जिन्होंने ईमेल के थ्रू मेरे को सम्स भेजे हैं उनको भी मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा. थैंक्स दोज स्टूडेंट्स हुज आर कॉन्टेक्टिंग मी थ्रू मेल एंड व्हाट्सएप. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस. बाय बाय.